नमस्कार व्यूअर्स, मैं एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा वीडियो 70 इयर्स एक्सपीरियंस एंड 7 मिनट्स वीडियो। जी हाँ मित्रों, हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ, कुछ न कुछ परेशानियाँ और ज़्यादातर दुनिया का तजुर्बा शामिल होता है और उस तजुर्बे को हर आदमी, चाहे वो अदना सा कर्मचारी हो, चाहे वो बहुत बड़ा ठेकेदार हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, सब अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ या अपने ऑडियंस के साथ में शेयर करते हैं। इसी तरह मुझे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सम्मान दिया है, एक नहीं लाखों कमेंट्स ऐसे आए हैं, सर अपनी जीवनी कुछ बताइए, अपने 70 साल का अनुभव आप बताइए, आपने जो जो फेस किया है वो सारी बातें हमें बताइए। देखिए मित्रों, देखिए बेटों, मेरी पोतों की उम्र के हैं आप, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जरूर बताऊंगा आपको, मगर ये सारी कहानी जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव की है, फेस की है, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, जो नॉलेज मैंने गोट किया है, वो 70 साल का अनुभव है मेरा। और वो 70 साल का अनुभव आप 7 मिनट की वीडियो में कैसे प्राप्त करेंगे, मेरे समझ से बाहर हो रहा है। इसलिए मैं इस विषय पर बहुत सोच विचार करके आगे आपको पूरी कहानी बताऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आप मेरे जीवन की हर सच्चाई से रूबरू होंगे। बस कंडीशन एक ही है और वो कंडीशन है, जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं ये सारी घोषणा करूंगा आपके सामने। अब उसका मेरा मोटो क्या है, 1,00,000 सब्सक्राइबर करने का मेरा उद्देश्य क्या है, वो ये है कि जब तक आप किसी को कुछ मत बताइए, जब तक आपके साथ में बहुत से लोग इकट्ठे नहीं हो जाएं, थोड़े से आदमियों को कुछ बताना ज्यादा अच्छा नहीं समझता मैं, और मेरा नॉलेज जो है वो बहुत ही, मैंने इतना परेशानियों भरा जीवन रहा है जिसका मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक अदना सा आदमी जो अपने जीवन की सेल्फ मेड, जिसको कह सकते हैं सेल्फ मेड आदमी, अपने जीवन की वो सारी बारीकियां, वो सारी छोटी छोटी बातें जो मैंने जीवन में फेस की हैं वो सब बताना चाहता हूं, मगर वो सभी सारी बातें तभी बता पाऊंगा जब आप 1,00,000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन मुझे ज्यादा खुशी होगी। यदि आप फिर भी पहले यदि मुझे दबाव देते हैं, प्रेस करते हैं या यूं कह सकता हूं आग्रह करते हैं, तो हो सकता है मैं थोड़ा दबाव महसूस करूंगा। अब बात आती है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर कैसे हो। देखिए सज्जनों, आप लोगों के सबके टोटल सब्सक्राइबर लगभग 33,000 हो रहे हैं, 33,000, और एक आदमी यदि ये ठान लेवे कि 3 सब्सक्राइबर मुझे आज बढ़ाने हैं तो अपन एक दिन में 1,00,000 सब्सक्राइबर बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। 3 सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी चैनल को प्रमोट करना चाहता हूं, मेरा मतलब है मैं आप सबके साथ में, मुझे भी उतनी उत्सुकता है जितनी आप लोगों को उत्सुकता है कि मैं मेरी जीवनी आप लोगों के साथ में शेयर करूं, मगर इससे पहले कि मैंने शुरुआत में एक संकल्प हो गया था मैं, और आप जानते हैं बुजुर्ग लोग अपने संकल्पों के प्रति कितने दृढ़ होते हैं, तो आप चाहें तो ये काम कल कर सकते हैं, चाहें तो परसों कर सकते हैं, चाहें तो 1 महीने बाद में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1,00,000 सब्सक्राइबर कब बना सकते हैं। तरीका मैंने बता ही दिया, 3 सब्सक्राइबर हर सब्सक्राइबर को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और आप बना भी सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, आपको पता होगा जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहीं साथ में थे जंगल में, और उस समय लक्ष्मण जी के साथ में घटना घटी थी, आपको ध्यान है, और उस घटना के लिए संजीवनी बूटी लाने का किसी वैद्य ने, चिकित्सक ने कहा था कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, और संजीवनी बूटी का जो पहाड़ था, जिस पहाड़ पे संजीवनी बूटी थी
उस वो पहाड़ की दूरी वहां से बहुत दूर थी, और वो संजीवनी बुट्टी लाने के लिए हनुमान जी को नियुक्त करना पड़ा, और हनुमान जी ने कहा मैं कैसे ला पाऊंगा। उन्हें पता नहीं था कि मैं कैसे ला पाऊंगा, क्या मेरे में इतना बल है। उनको याद दिलाना पड़ता था, और जब उन्होंने उनको याद दिलाया तो वो संजीवनी बूटी नहीं पहाड़ ही ले आए। तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा, आप नवयुग हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है इस दुनिया में। एक अच्छे वो क्या कह सकते हैं, वो पुरुष थे जिन्होंने अपनी डिक्शनरी में से, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेते ही आप कह देंगे ये तो उनका प्रचार करते हैं, उन्होंने अपनी डिक्शनरी में से नाम हटा दिया था इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है संसार में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप चाहें तो आप हनुमान जी बन के ये काम कर सकते हैं, और मैं कल ही आपको साथ में मेरी जीवनी है वो प्रस्तुत कर दूंगा, मगर कंडीशन जो मैंने बताई थी उस कंडीशन के हाथों में मजबूर हूं। और आप समझते हैं बुजुर्ग लोगों का संकल्प होता है, वो अपना संकल्प है वो दृढ़ रखते हैं, क्योंकि संकल्प के सामने विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में कोई संकल्प कर लेते हैं किसी भी तरह का, मान लीजिए आप कॉन्ट्रेक्टर बनना चाहते हैं या आप और किसी बिजनेस में हैं, तो उसका संकल्प कर लेते हैं, तो संकल्प के सामने विकल्प मत खोजिए। विकल्प बहुत हैं जिंदगी में, विकल्पों की कोई कमी नहीं है, और जिन लोगों ने विकल्प खोजे हैं ना वो वहीं के वहीं रह गए। इसलिए संकल्पित रहिएगा आप, और संकल्प जितना आपका दृढ़ होगा, जिसका कोई विकल्प नहीं हो वो संकल्प आप खोजिएगा, और विकल्प आते ही आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा मुझे कमजोर डालने की कोशिश मत कीजिए, मुझे मेरे मोटो पर दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति दीजिए आप, और इस काम को आप नेक काम को कर सकते हैं। और जिस दिन आप ये नेक काम कर देंगे, फर्स्ट डे मैं वादा करता हूं आपसे, टोटल की टोटल जीवनी जो 70 साल में मैंने गोट की है वो 7 मिनट की वीडियो में कैसे बता पाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूं, और उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। और यदि 7 मिनट की बजाय 70 मिनट की भी हो जाती है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के मन में जो उत्सुकता है उसे सुनने की, वो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन देगी। और अपन कोशिश करेंगे कि वो 7 मिनट का वीडियो नहीं, 70 मिनट का वीडियो होना चाहिए। जितनी ईयर्स मैंने भोगी हैं उन ईयर्स के एक एक साल के एक एक मिनट तो पाती आना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा आप यदि इस मामले में मेरी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, और मेरे संकल्प पे मुझे दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति प्रदान कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक और कमेंट्स करके मुझे अवगत करा सकते हैं, और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार।